तो कैसे आप लोग लोग तब तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, फिर से लेके आ गया हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस आज फिर से मंडे हो चुका है एंड आज रिव्यू वीडियो होने वाली है एंड आज देखते हैं क्या क्या नया पोकेमॉन्स वगैरह आया। मुझे लग रहा बहुत ही अच्छे पोकेमॉन्स वगैरह आए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहा था, तो उस हिसाब से मुझे लगा बहुत अच्छे अच्छे आए। तो चलिए फटाफट जाकर देख लेते हैं बोनस इवेंट में क्या आया कैसा आया। 14 डेज हमारा कंप्लीट हो गया, फिर से देखते हैं 14 डेज का आया है या फिर नहीं। तो सबसे पहले गाइज वेलफेयर गिफ्ट है जो कि आप टॉप अप करते हो तभी मिलता है, तो ये बेकार है। एंड दोबारा ट्विस्ट एक कार्निवल में भी वही है एंड टास्क एक्सपर्ट में जाके देख लेते हैं। एंड टास्क एक्सपर्ट में मैंने यहाँ पर डेली एक्टिविटीज़ तो कर लिया था लेकिन गाइज मैंने इवेंट्स वगैरह नहीं देखा था, सच में नहीं देखा था। एंड यहाँ पर तो मैंने ये कर लिया। एंड भाई फाइव अगर वाटर टाइप पोकेमोन को मैं पकड़ता हूँ विथ इंडिविजुअल वैल्यू 50+ तो गाइज हमें ये वाला रिवॉर्ड मिल सकता है। एंड भाई रेफल टिकट जमा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एंड बहुत ही लोग कह रहे होंगे कि अभी आपने रेफल टिकट खोला है एंड आपके पास 136 कैसे हो चुका। तो अभी इवेंट आया था $5 का टॉप अप करने से आपको इतना मतलब 100 टिकट्स मिल सकता है, तो मैंने वही टॉप अप करा था क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था इसीलिए मैंने करा, वरना तो भाई मैं अभी डेली टॉप अप नहीं कर रहा हूँ। एंड विप सेक्शन वाउचर में जाके देख लेते हैं। विप सेक्शन वाउचर में और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा नया। एंड यहाँ पर आया है क्रिसमस डायमंड रिबेट, तो भाई अभी तक क्रिसमस आने में बहुत टाइम बाकी है लेकिन इन्होंने ये करा अगर आप जितने का भी डायमंड टॉप अप करते हो उसका डबल आपको प्राइज मिलेगा। एंड कंटिन्यूस टॉप अप में जाके देख लेते कितने दिन का ये इवेंट आया। तो सबसे पहले हम लोग देखते कितने दिन का आया, तो 7 डेज का आया गाइस ये, चलो ठीक है क्योंकि 7 डेज में अगर इवेंट्स वगैरह चेंज होंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा ये गेम। एंड बाकी के तो भाई इसमें अगर टॉप अप करोगे तभी आपको यहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा वरना तो कुछ नहीं है। पॉपुलर इवेंट में जाके देख लेते हैं। सबसे पहले आया पोकेमॉन मेगा जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है एंड पोकेमॉन मेगा प्रमोशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। यहाँ पर आप गार्चाउम का ले सकते हो लेकिन ये भी मुझे उतना सही नहीं लगता। अब तो भाई बहुत ही अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स वगैरह आ चुके हैं इसके कंपेयर में, जब मैंने गेम स्टार्ट करा तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था। एंड कार्निवल टॉप अप में जाके वही है, अगर आप डायमंड टॉप अप करते हो तो आपको ये सारे रिवॉर्ड मिलेंगे वरना तो आपको नहीं मिलेगा। आप गाइस देखते हैं फीडबैक में क्या आया। तो फीडबैक में यहाँ पर अगर आप कुछ भी टॉप अप करते हो 30 डायमंड्स का भी टॉप अप करते हो तो ये सारे रिवॉर्ड आपको मिल सकते हैं। अगर आपके सर्वर में 20 जन ने टॉप अप कराया तो। एंड वीकली में देख लेते हैं, यहाँ पर वही है गाइस, अगर आप टॉप अप करते हो तभी कुछ मिलता है। एनी टॉप अप में भी वही है एंड यहाँ पर तो कुछ पोकेमॉन वगैरह नहीं आया यहाँ पर। तो फेस्टिवल इवेंट देख लेते हैं कौन सा नया पोकेमॉन आया। सबसे पहले तो लक्की टनल हम लोग बाद में देखेंगे। एंड गाइस फाइनली यहाँ पर आ चुका हमारे पास एम और एन, एम है उसके बाद एन और उसके बाद ओ है या नहीं, एम और एन आ चुका है। तो नेक्स्ट वीक में भी ओ और पी आएगा। तो गाइस एम मुझे उतना अभी तक पता नहीं है एम के बारे में। एन तो गाइस इलेक्ट्रिक फेरी और शायद से बक टाइप को बढ़ाता है, मतलब बक टाइप का क्या कहूँ, बक टाइप का जो है इन्हेंस करता है 100% से, तो 50% से। तो अगर आपको ये सारे इलेक्ट्रिक या फेरी या फिर बक टाइप अगर यूज़ करते हो तो आप लोग उसे मतलब एन ले सकते हो, लेकिन लोगे तो दो एन लेना, सेट में लेना वरना कोई फ़ायदा नहीं है। एंड और बाकी भाई यहाँ पर टेक्निकल मशीन सेट आ चुका है जो कि बहुत ही लोगों को चाहिए होता है, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो। एंड गिराटीना भी ले सकते हो यहाँ से अगर गिराटीना चाहिए, भाई गिराटीना भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो चुका है। तो मे बी 100 विप्स एक्शन वाउचर में आपको गिराटीना मिल जाए, हाँ 100 विप्स एक्शन वाउचर में आपको गिराटीना मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो। जो 20 एक्शन वाउचर में गिराटीना आया वो भाई थोड़ा महंगा है, तो आप लोग को यहाँ से लेने में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा गिराटीना। एंड लास्टली गाइज यहाँ पर 5 भी डिट्टो आ चुका है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा है ये, तो ये लेना मतलब उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, तो ये मत लेना आप लोग। एंड फेस्टिवल इवेंट में जाके देख लेते हैं, यहाँ पर 50 वीप सेक्शन वाउचर मिल रहा है 1 वीक में, जो कि ठीक ही है गाइज। पहले तो भाई 35 ही मिलता था लेकिन 50 मिल रहा है, जिस हिसाब से तो ठीक ही है। एंड यहाँ पर मैं 6 ले लेता हूँ। एंड बाकी के देखते हैं, गिराटीना आया है यहाँ पर, मिथिकल मेगा स्टोन अगर आप यहाँ से ले सकते हो ले लो। एंड यहाँ पर डिट्टो नहीं दिया, इन्होंने डिट्टो हटा दिया है, उसके जगह पे आई थिंक मिथिकल मेगा स्टोन इन्होंने दे दिया है। एंड फेस्टिवल ड्रॉपिंग में जाके देख लेते हैं, फेस्टिवल ड्रॉपिंग में कुछ तो भाई वही है, सॉरी फेस्टिवल ड्रॉपिंग में कॉफ़ी एंड नट्स ही है,
एंड बी स्टेशन बाउचर में जाकर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा होपा आ चुका है, होपा जिन्होंने इवॉल्व नहीं करा वो इवॉल्व कर लो। एंड भाई होपा का ये लेना मतलब गियर लेना उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, लाइक ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। एंड अगर किसी को सैंडस्टॉर्म गॉर्डन चाहिए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। एंड भाई मार्स शैडो चाहिए तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो, स्काई वोल्यूशन वगैरह भी ले सकते हो। लेकिन इन सब पोकेमॉन मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आइस रेक्वाजा ले सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है। यहाँ पर निकोर्जमा ले सकते हो, लेकिन निकोर्जमा को फुल इवॉल्व करके आप कन्वर्ट कर लेना, तब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड भाई उससे बढ़िया तो आप जेरोडा ले लो, ये सबसे बढ़िया पोकेमॉन है, इसे इवॉल्व कर दो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा बीस्ट पोकेमॉन है। एंड बी स्टेशन ए में चले जाते हैं, यहाँ पर गाइज क्रिम्सन म्यूटू आ चुका है, लेकिन ये आप लोग बिल्कुल मत लेना, बहुत ही ज़्यादा बेकार मतलब पोकेमॉन है। एंड यहाँ पर आप लोग लाइव ऑर्ब ले सकते हो अगर आपके पास टिकट है तो। भाई लाइव ऑर्ब स्पेशल अटैक और फिजिकल अटैक किसी को भी बढ़ाता है, तो लाइव ऑर्ब मतलब इतना समझो लाइव ऑर्ब जो है कोई सा भी अटैक को इन्हेंस कर सकता है, तो लाइव ऑर्ब आप लोग ले लो। एंड यहाँ पर आ चुका है डॉन विंग्स, तो ये भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, थोड़ा सा डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों का काम करता है, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड लास्टली भाई डिओक्सिस आ चुका है, एक्सट्रीम स्पीड डिओक्सिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन इन द गेम मुझे जहाँ तक लगता है, तो ये आप लोग ले सकते हो, 100% कंसिडर करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है। एंड इसका मतलब गियर इसका अटैक्स वगैरह भी है, आप लोग ले सकते हो। एंड यहाँ पर बोनस इवेंट में जाके देख लेते हैं, तो बोनस इवेंट में विप्स एक्शन ही सिर्फ आ चुका है, एंड यहाँ पर कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। और गाइज अब फाइनली हम लोग जाके देख लेते हैं लकी टनल में क्या नया आया है, तो लकी टनल में कौन सा पोकेमॉन आया है। यहाँ पर भाई लकी टनल बहुत ही ज़्यादा बेकार पोकेमॉन आया, तो ये आप लोग यहाँ पर डायमंड अपने खर्चा मत करना। एंड सुप्रीम टोकन में भी कुछ नया आया हो तो सुप्रीम टोकन में कुछ नया नहीं आया, मे बी नेक्स्ट वीक नया आएगा। एंड गाइज यहाँ पर कुछ और नया आया था, यहाँ पर ये इवेंट नया आया, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा पोकेमॉन आ चुका है, जो कि भाई कॉमन ही होगा, ये आप लोग ले सकते हो अगर आप लोग कंसीडर करते हो, ये आप लोग ले सकते हो। चलो मैं 10 टाइम्स कर लेता हूँ, देखता हूँ मिलता है या नहीं। एंड मुझे तो भाई कुछ मतलब चाहिए भी नहीं इधर से, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, एंड फाइनली कुछ मिला भी नहीं। एंड यहाँ पर भाई एक्सचेंज रिवॉर्ड में सबसे भाई मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले आप लोग पॉफिंस लेना, अगर पॉफिंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्च एनर्जी, अगर आर्च एनर्जी ले सकते हो तो आर्च एनर्जी लेना, उसके बाद एफोर्ड वैल्यू लेना, उसके बाद पॉफिंस लेना। एंड नीचे भाई प्लेट्स वगैरह, तो प्लेट्स भाई जितने ज़्यादा लो उतना ज़्यादा बढ़िया है, तो प्लेट्स लो, प्राइमंडल स्टोन्स लो, एंड ये सब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड और कुछ तो नया नहीं आया गाइज, तो गाइज आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड।